शाहरुख खान की पक्की दोस्ती की जब बात आती है तो अक्सर सलमान खान का नाम लिया जाता है। हालांकि हाल ही में जो भी कुछ हुआ उससे ये साफ हो गया कि शाहरुख की जूही चावला के साथ दोस्ती भी कम तगड़ी नहीं है। आर्यन खान के लिए गारंटर बनना और बॉन्ड भरना ये दिखाता है कि जूही और शाहरुख का याराना किसी से कम नहीं। इनके बीच जो विश्वास और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है वो दिखाता है कि असली दोस्ती का मतलब क्या होता है। जूही चावला ने एक शो के दौरान अपने दोस्त शाहरुख से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया था। उन्होंने अपने फ्रेंड की एक बुरी आदत पर चुटकी लेते हुए सबके सामने बताया था कि जब भी वो पार्टीज रखती थी तो उसमें शाहरुख को जरूर इनवाइट करती थी। ऐसी एक पार्टी के लिए उन्होंने शाहरुख को न्योता दिया तो उन्हें रिप्लाई मिला कि वो आने में लेट हो सकते हैं। जूही ने शाहरुख को 11 बजे तक आने के लिए कहा। हालांकि पूरी पार्टी खत्म हो गई लेकिन शाहरुख नहीं पहुंचे और जब सब सो गए तब रात को 2:30 बजे शाहरुख अपनी दोस्त के घर जा पहुंचे। शाहरुख के तय समय से लेट पहुंचने के बारे में इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं और इनकी इस बुरी आदत को जिस तरह से जूही ने बिना हिचकिचाहट के मजे लेते हुए शेयर किया वो दोस्ती का ही सबूत है। तो उस वही होता है जो बिना झिझक के अपने यार को टोके और उसे सुधरने के लिए कहे, साथ ही में मजे लेते हुए उसकी टांग खींचने का भी मौका ना छोड़े। और ये खट्टी मीठी बॉन्डिंग ही तो दोस्ती की जान होती है। ऐसे जूही ने एक इंटरव्यू में शेयर करते हुए बताया था कि जब वो बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही थी तो उनमें थोड़ा अहंकार आने लगा था। उन्हें लगता था कि वही सब कुछ है। उसके बाद फिल्म डर के सेट पर इसी एटीट्यूड के चलते सबके सामने जूही की अपनी माँ से एक बार बहस हो गई। बाद में फिर शाहरुख ने जूही को टोकते हुए कहा कि सभी को माता पिता के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और जूही ने बताया कि शाहरुख के कहे ये शब्द आज तक उनके साथ है। जूही ने एक बार शाहरुख से अपनी दोस्ती को बहुत ही प्यारे शब्दों में बयां किया था। उन्होंने कहा था, हम दोनों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, हमने लगभग साथ में ही करियर की शुरुआत की थी। वो मुझसे करीब 2-3 साल बाद इस लाइन में आया था। हालांकि उसके बाद हमने को स्टार के रूप में साथ में काम किया और फिर प्रोडक्शन के काम से जुड़े। जहां हमें असफलता हाथ लगी, असफल होने के भाव को स्वीकार कर पाना आसान नहीं होता। जब चीजें अच्छी हो रही होती है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम दोनों ने तो असफलता भी साथ में झेली और उससे उबर कर निकले। हमारी जिंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह रही। हमने अपनी जिंदगी में लगभग हर तरह की स्थिति का सामना किया है। ऐसी स्थितियों में कुछ लोग आपके साथ बने रहते हैं और आपके लिए क्षितिज की तरह बन जाते हैं। शाहरुख भी मेरे लिए ऐसे ही शख्स बने। वैसे शाहरुख और जूही के बीच की तगड़ी दोस्ती को देख लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, लोग तो इनके अफेयर तक की गॉसिप करने लगे थे। ऐसे में शाहरुख ने फिर फैसला किया था कि वो जूही के साथ फिल्म साइन नहीं करेंगे। शाहरुख ने भी अपनी दोस्ती को बचाने के लिए फैसला लिया और स्क्रीन पर साथ दिखना बंद कर दिया। हालांकि इसका असर उन्होंने जूही से अपनी दोस्ती पर बिल्कुल भी नहीं होने दिया। यही वजह है कि अच्छे को एक्टर्स के साथ साथ ये दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और बहुत ही अच्छे पक्के दोस्त भी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।